नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी मुंबई ने एक नोटिस जारी किया है, उसमें ये बताया गया है कि अगले 100 दिन में रेलवे क्या करने वाली है, आपके एग्ज़ाम से संबंधित, आपके जो भी रिजल्ट हैं उससे संबंधित क्या होने वाली है, ये अगले 100 दिन का स्ट्रेटजी इन्होंने एक लेटर के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है। देखते हैं इस लेटर में क्या लिख रखा है। देखिए, यहाँ पे 100 डेज का जो प्लान है, यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, यहाँ पे ठीक है, इतना है, ठीक है। तो ये अगले 100 दिन का यहाँ पे देखेंगे कि प्लान है 4/6/2019 से 12/7/2019 तक का ये प्लान है। अब देख लेते हैं ये पहला क्या दे रखा है। पहला स्टेटमेंट में इन्होंने दे रखा है कि जो आपका ग्रुप डी का है उसका कंप्लीशन ऑफ प्लेसमेंट, यानी कि जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उनका पूरा प्लेसमेंट हो जाएगा, जहाँ पे जिनका जॉब होने वाली है वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगा, यहीं 12 सितंबर तक। यानी कि आप फिक्स मानिए कि आपका ज्वाइनिंग पक्का है, हालांकि कितने लोगों का तो ज्वाइनिंग भी हो गया है। दूसरा में हम देख लेते हैं क्या लिखा है। ये जो आपका एएलपी टेक्नीशियन है उनका जो भी है इशू पैनल होगा, यानी कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ है मेडिकल के बाद, यानी कि एएलपी टेक्नीशियन का पैनल इशू कब तक हो जाएगा, 12 सितंबर तक हो जाएगा। तीसरा में देखते हैं कि इनका ट्रेनिंग भी ऑल जगह स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल जोन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एएलपी टेक्नीशियन का जो ट्रेनिंग है वो 12 सितंबर से पहले स्टार्ट हो जाएगा, पहले पहले जारी होगा, उसके बाद इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा 12 सितंबर से पहले। चौथा में दे रखा है क्या कि चौथा में है 13,561 जो वैकेंसी है आपके जेई के, उसका जो रिजल्ट है वो प्रकाशित हो जाएगा सीबीटी बंद का 12 सितंबर से पहले, यानी कि आपका जो आंसर शीट है वो जुलाई के मिड में आ सकता है, ठीक है। तो जुलाई के मिड में आएगा, उसके बाद जो भी करेक्शन होगा, जो भी चीज़ होगा, उसके 10-12 दिन देते हैं, उसके बाद 12 सितंबर से पहले आपका ये भी डिक्लेयर हो जाएगा कि इसका डेट कब तक आ जाएगा, टेंटेटिव डेट जो आपका CVT 2 का है वो कब तक आ जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इससे आप अपने स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इसमें ये प्रॉपर तरीके से आप समझ सकते हैं कि NTPC का एग्ज़ाम अभी नहीं होने जा रही है, तो आप जिस भी एग्ज़ाम का अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उसको अच्छे से चालू कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।